नमस्ते, सलाम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका कल स्पेशल त्यौहार आ रहा है, उन सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। साथ ही साथ आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे अब 400 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं आपकी हेल्प से, क्योंकि आपने लाइक किया, आपने शेयर किए मेरी वीडियोज़, तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रही है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं अपनी वीडियोस से काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि ये सब मैं आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आज तक मैंने जो आपको सिखाया उसमें हमने किसी से कैसे मिलना है, किसी से कैसे बात करनी है, ये हमने हमेशा किए। लेकिन जब किसी को गुड बाय बोलना है, गुड बाय बोलने के पहले उससे ज़्यादातर हम कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें, आप स्टूडेंट हैं या आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या बातिमों की फील्ड में काम करते हैं, आपका दोस्त है, आपका कलीग है या कोई भी बंदा है, आप उसको बाय बाय करने से पहले उसे ज़रूर पूछते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो, कि कल कितने बजे आ रहे हो, कल आओगे या नहीं आओगे। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि कैसे पूछा जाए उस बंदे को कि कल तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे। तो ये भी बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे सैल्यू और बोजो इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर हम बोजो कहते हैं या अपनी लैंग्वेज में दूसरे को सलाम करते हैं या सत श्री अकाल करते हैं, या स्टूडेंट जो है आजकल, क्योंकि आप फ्रेंच किसी बंदे से बात कर रहे हैं, किसी बंदे से बात कर रहे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलता है, तो जो यंग जनरेशन है ज़्यादातर वो सैल्यू बोलती है, सैल्यू सवा, सैल्यू चिवाभियां, तो ज़्यादातर ये बोला जाता है। जब आपकी सारी कन्वर्सेशन हो गई, एंड टाइम है जब आप गुड बाय बोलने वाले हो, लेकिन उससे पहले पूछना चाह रहे हो कि कल तुम आओगे नहीं आओगे, तो वो कैसे पूछा जाएगा? बहुत आसान है। किसी को पूछना कि तुम कल आ रहे हो या नहीं आ रहे, कैसे बोलते हैं? tu viens demain, tu viens, तुम आ रहे हो demain, tu viens demain, या vous venez demain, vous इसलिए क्योंकि आप किसी बड़े बंदे से बात कर रहे हो या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों से बात कर रहे हो, तो इसलिए वो लगा क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए भी यूज होता है। tu viens demain या vous venez demain, सामने वाला बंदा आपको दो ही ऑप्शन है, या हाँ या ना। हाँ में बोलेगा je viens demain या nous venons demain, या दूसरी ऑप्शन वो है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी फ्यूचर सैंपल यूज करने की, oui je viendrai या oui nous viendrons, oui je viens demain या oui je viendrai demain, दोनों ऑप्शंस चलती हैं। बोलने में ज्यादातर लोग प्रेजेंट में बात करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है oui je viens demain, लेकिन आप ये भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या non je ne viens pas demain, non nous ne venons pas demain, या non je ne viendrai pas demain, non nous ne viendrons pas demain, ये चारों सेंटेंसेस चलते हैं। एक बार बंदे ने आपको बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि नहीं मैं कल नहीं आ रहा, आप उसको बोलोगे d'accord, बात यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको बंदा बोलता है कि हाँ मैं कल आ रहा हूँ, तो अब उससे ये पूछना है कि कल तुम कितने बजे आ रहे हो, तो कैसे पूछा जाए कितने बजे आ रहे हो? बहुत ही आसान, à quelle heure, कितने बजे, à quelle heure, à quelle heure। वो आपको बोलेगा, या तो वो अपना सेंटेंस आ से शुरू कर सकता है या vers से शुरू कर सकता है, à 8h या vers 8h, क्या फर्क है दोनों में? à 8h का मतलब मैं 8 बजे आऊंगा, vers 8h मतलब 8 बजे के आसपास, d'accord। बहुत ही आसान है। tu viens demain, oui je viens demain, à quelle heure, à 8h। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप बातिमों की फील्ड में, ये मैंने वीडियो एक व्यूअर की डिमांड पे बनाई है, जिन्होंने मुझसे कुछ आखिरी कुछ और सेंटेंसेस बोले थे जिनके बारे में वो जानना चाह रहे थे, तो वो सेंटेंस मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप बातिमों में आपके अंडर कोई टीम काम कर रही है या आप रेस्टोरेंट में आपके साथ एक कलीग है जो कल नहीं आने वाला, तो उसको कैसे पूछना है कि अगर तुम नहीं आ रहे तो मुझे चाबी तो दे दो कल के लिए, मुझे जरूरत पड़ेगी। तो दो ऑप्शन है, सी tu ne viens pas, सी अगर tu ne viens pas, तुम नहीं आ रहे, तो alors donne moi les clés, मुझे दे दो चाबी, या passe moi les clés, मुझे पकड़ा दो चाबी। सी tu ne viens pas, alors donne moi les clés, या passe moi les clés। अगर आपको लगता थोड़ा डिफिकल्ट है, लंबा सेंटेंस है, तो सीधा बोल दो
tu me donner les clés? क्या तुम मुझे चाबी दे सकते हो? Peux-tu me donner les clés? दोनों ऑप्शंस है, क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते हैं, मैंने आपके कमेंट से मैंने अंदाजा लगा लिया, और कुछ है जो अभी बिगिनर लेवल पे जो शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों तरह के सेंटेंस लिखे हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज में एक बात को बोलने के काफी तरीके हैं, वैसे ही फ्रेंच में है। तो मैं कोशिश करके सबसे आसान लिखती हूँ, जिससे आपको याद हो जाए और स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव कर सकें। तो ये जियापो में, मतलब इस स्लाइड में, बहुत आसान है। किसी को बोला तुम कल आ रहे हो या नहीं आ रहे, तुम परसों आ रहे हो, tu viens après-demain, या अगर कल की बात नहीं हो रही, परसों की नहीं हो रही, अगले हफ्ते के फ्राइडे की हो रही है, tu viens le vendredi, tu viens la semaine prochaine, तुम अगले हफ्ते आ सकते हो, oui, non, à quelle heure, अगर तुम नहीं आ रहे तो मुझे चाबी दे दो, peux-tu me donner les clés, या si tu ne viens pas, alors donne-moi les clés। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यूज में आते हैं, तो उनकी उनके बारे में बताऊंगी। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं और आपको पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि ये काम कितने दिन चलेगा, या प्रोजेक्ट जो आपको मिला है वो कितने देर का होगा, बातिमों की फील्ड में या स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, तो कैसे पूछा जाए कि ये कितने देर का काम है? सुतखावाई, ये वाला काम, वा जुरे, चलेगा, कोमिया दुजो, कितने दिन, ce travail va durer combien de jours? Ce travail va durer combien de jours? या अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो बोल सकते हो il faut combien de jours? Il faut combien de jours pour ce travail? और अगर आपके सामने आपका बंदा, टीम का कोई बंदा काम कर रहा है, आप उससे पूछते हो कि उसका काम खत्म हुआ नहीं हुआ, वो बोलता है कि नहीं, तो उसे कैसे पूछना है कि अभी तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान है, il te faut encore combien de temps, il faut, जरूरत है, चाहिए, il te faut, तुम्हें चाहिए, encore, अभी भी, combien de temps, तुम्हें अभी और कितना टाइम चाहिए, il te faut encore combien de temps। उसके बाद अगर आपने किसी बंदे से पूछना है कि तुम्हें ये काम आता है या नहीं आता, sais-tu faire, sais-tu, आता है, faire, करना, les travaux de peinture, क्या तुम्हें travaux de peinture करने आते हैं, पेंटिंग का काम करना आता है, या अगर आप दूसरे तरीके से पूछ चुके हो, पूछ सकते हो, fais-tu les travaux de peinture, क्या तुम पंचर का काम करते हो, या अगर fais-tu आपको बोलने में मुश्किल हो रही है तो आप बोल सकते हैं tu fais les travaux de peinture, क्या तुम पंचर का काम करते हो। अगर सच में आपको बहुत मुश्किल हो रही है, tu sais faire ça, tu sais faire, tu, तुम, sais, आता है, फेयर, करना, सा, उसको काम दिखा दो, सा मतलब इशारे से उसको बता दो ये वाला काम, जिसे फेयर सा, क्या तुम्हें ये काम आता है? उसके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होगी, हाँ या ना में होगा, वी जे कने बिया से ट्रावाई, हाँ मुझे ये काम अच्छे तरीके से आता है, वी अंप, हाँ थोड़ा थोड़ा, नो पा जू तू, नहीं जरा भी नहीं आता, वी जे कने बिया से ट्रावाई, वी अंप, नो पा जू तू, हाँ मुझे ये काम आता है, हाँ मुझे ये काम थोड़ा सा आता है, नहीं जरा भी नहीं, पा जू तू, जरा भी नहीं, पा जू तू। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल, जो काम ढूंढने जाते हैं, या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो कोई भी ऑप्शन हो सकती है, तो उसमें अगर आपने सामने वाले से पूछना है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे इस काम के, तो कैसे पूछा जाए, कॉम्बिया चू मे पे पोर से ट्रावाई, कॉम्बिया कितने, चू मे पे, tu payes, तुम दोगे, किसको दोगे, मुझे दोगे, tu me payes pour ce travail, इस काम के लिए, combien tu me payes pour ce travail, या अगर आपने ये नहीं पूछना कि तुम मुझे कितने दोगे, आप पूछ सकते हो कि एक दिन के कितने पैसे देते हो, combien payez-vous par jour, combien payez-vous par jour, या महीने का, combien payez-vous par mois, एक महीने के कितने पैसे देते हो, महीने की तनख्वाह क्या है, या दिन की तनख्वाह क्या है। तो ये उन लोगों के लिए जो काम ढूंढ रहे हैं या जिनको जरूरत पड़ती है, तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और आपने पूछना है अपने बॉस से या किसी से भी कि अगर आपको और आदमियों की जरूरत है तो मुझे बताओ, या अगर आपको कोई जॉब मिल गया है तो आपका एक फ्रेंड है वो जॉब ढूंढ रहा है, तो आपने सामने वाले बॉस से, शेफ से, एम्प्लॉयर से, कंपनी से पूछना है कि क्या आपको और बंदों की जरूरत है, तो कैसे पूछा जाए?
बहुत आसान है. अवे वो बुजुआ द प्लस द पर्सन, ये सेंटेंस हर जगह फिट होता है. अवे वो क्या आपको, बुजुआ बुजुआ मतलब जरूरत. अवे वो बुजुआ क्या आपको जरूरत है, द प्लस द पर्सन और आदमियों की और बंदों की, प्लस मतलब और ज्यादा, पर्सन बंदे. अवे वो बुजुआ द प्लस द पर्सन. और इसी के साथ आज की वीडियो में मैंने जो सेंटेंसेस जो मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछे थे वो मैंने आई होप सारे बता दिए हैं. अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से कमेंट्स में ये सवाल पूछ सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में कि पिछली क्लास में मैंने देखा है कि ज्यादा होमवर्क लोगों ने नहीं किया. कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था मैं आपको एक और मौका दूंगी, तो ये रहा आपका मौका. इस बार इसको अपने हाथ से गंवाने मत दीजिएगा. तो होमवर्क मैं आपको बहुत आसान दे रही हूँ. ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, टोटल 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं. अगर बेस्ट है तो सारे वर्ड्स यूज करना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो इनमें से 2 वर्ड्स ले लें, कोई भी अपनी मर्जी से 2 अक्षर चूज करके उनके ऊपर सेंटेंस बनाए. चाहे एक सेंटेंस बनाए बनाए, एक सेंटेंस बनाने में आपका 10 सेकेंड से ऊपर नहीं जाएगा. ये आपकी प्रैक्टिस है, मुझे फ्रेंच आती है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी. तो ये जो वर्ड्स है मैं आपको इनके मतलब समझा दूं, क्योंकि बिना मतलब के तो आप कर नहीं सकते. ये पहला वर्ड तो हर बंदे को पता है, ये तो हम पहले आके सीखते हैं किसी भी कंट्री में जाए. पैसा, आर्जों, आर्जों मतलब पैसा. दूसरा वर्ड है बैंक. बैंक को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, बैंक, बैंक, आर्जों पैसा, बैंक, बैंक. पर अगर मैं आपको बोलूं जे पर, इसका मतलब जिनको फ्रेंच आती है उनको पता होगा, जो नए नए सीख रहे हैं तो हो सकता है उनको ना पता हो. पर का मतलब डर, जे पर मुझे डर लग रहा है. पेये, पेये करना मतलब पेमेंट करना, देना, पैसे देना, पेये. वीदे, वीदे करना मतलब खाली करना, किसी जगह को खाली कर देना. जैसे मैं बोलती हूँ जे वीदे मा शॉम, मैंने अपना कमरा खाली कर दिया. जे वीदे ला पियस, मैंने कमरा खाली कर दिया. ला पियस कमरे को भी कहते हैं. फैक्चर, फैक्चर होता है कि अगर आप किसी को पेमेंट देते हैं, दूसरा कोई एक रिसीव देता है, उसको फैक्चर कहते हैं. फैक्चर. देमेनाजे, देमेनाजे करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. मैंने देमेनाजे कर लिया, जे देमेनाजे, मैंने घर चेंज कर लिया. जे देमेनाजे मेज अफेयर, मैंने अपना सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया. देमेनाजे, एक जगह से दूसरी जगह. और आखिरी है देवी, देवी. अब देवी आपने सुना होगा, देवी मतलब अगर आप किसी को बोलते हैं कि मुझे ये काम चाहिए, तो दूसरा आपको बोलता है कि हाँ इसके 1200 यूरो लगेंगे, 1300, कुछ भी बिल बनाता है, तो वो जो बिल आपको बना के देता है काम करने से पहले, उसको कहते हैं देवी. उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन से काम कितने का होगा, तो देवी वो होता है. तो ये रहे कुछ सिंपल वर्ड्स. आई होप कि इस बार आप में से 5 में से ज्यादा लोग कमेंट्स करेंगे और इन सेंटेंसेस के ऊपर मिनिमम एक सेंटेंस जरूर बनाएंगे. मेरी वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस. इसी तरह देखते रहिए, फ्रेंड्स सीखते रहिए. गुड नाइट.